बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पंजाब रोड रूल्स 2007 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर वन है प्रीलिमिनरी। रूल वन शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। सब रूल वन, दीज रूल्स मे बी साइटेड एज द पंजाब ड्रग रूल्स 2007। तो जो ये रूल्स हैं इनको रेफर किया जाता है एज ए पंजाब ड्रग रूल्स 2007। सब रूल टू, दीज एक्सेप्ट एप्लीकेशन ऑफ स्केड्यूल जी ऑन द एग्जिस्टिंग लाइसेंसेज शेल कम इन टू फोर्स एट वंस। स्केड्यूल जी को छोड़ते हुए तमाम रूल्स जो इसमें दिए गए हैं वो एट वंस, यानी कि जब ये रूल्स आए थे वो तभी एप्लीकेबल हो गए थे, तभी इम्प्लीमेंट हो गए थे, सिवाय स्केड्यूल जी के। सब रूल थ्री, द स्केड्यूल जी फॉर द एग्जिस्टिंग लाइसेंसेज शेल कम इन टू फोर्स आफ्टर 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन। बाकी जो रूल्स थे वो जब ये रूल्स आए 2007 में तभी वो इम्प्लीमेंट हो गए थे, लेकिन स्केड्यूल जी 10 साल बाद कंपल्सरी होगा। अब ये स्केड्यूल क्या है, सबसे पहले हम स्केड्यूल देख लेते हैं कौन कौन से हैं, ताकि आगे जब हम बाकी रूल्स पढ़ें तो आप लोगों को स्केड्यूल्स के बारे में पता हो। पंजाब ड्रग रूल्स 2007 में स्केड्यूल्स मौजूद हैं जो कि ए टू एच तक हैं, ठीक है। और हर स्केड्यूल में डिफरेंट चीजें हैं, वो हम देखते जाते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं। स्केड्यूल ए में फॉर्म्स हैं, ठीक है, और ये फॉर्म्स कौन कौन से हैं। फॉर्म वन, मंथली रिपोर्ट्स फ्रॉम इंस्पेक्टर, ये हम रूल फाइव में देखेंगे। मंथली रिपोर्ट्स फ्रॉम इंस्पेक्टर यानी कि इंस्पेक्टर अपनी मंथली रिपोर्ट इस फॉर्म के जरिए भेजेगा। तो उसमें क्या क्या चीज है, प्लेस ऑफ इंस्पेक्टर ने बता दिया कि अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लेस को इंस्पेक्ट कर रहा है फार्मेसी या मेडिकल स्टोर को इंस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो कौन कौन से, अगर उसको कोई वहां पे वॉयलेशन लगती है, कोई रूल्स की खिलाफ वर्जी लगती है तो वो स्पेसिफाई कर सकता है। अगर उसको शक हो कि कंट्रावेंशन हुई है इस ड्रग में जो भी वहां पे मैन्युफैक्चर हो रही थी या जो पड़ी हुई है उसके, वो सैंपल ले सकता है, तो वो भी उसको यहाँ पे इसमें रिपोर्ट में मेंशन करना है। और फिर उसमें क्या क्या उसने एक्शन लिए हैं, क्या अगर सैंपल लिया है तो उसकी सारी, उस सैंपल की डिटेल्स सारी लिखनी है। नंबर, नेम ऑफ ड्रग है, रजिस्ट्रेशन नंबर, मैन्युफैक्चरर का नाम है, बैच नंबर, ये सारी चीजें वो ये फिल आउट करके ये मंथली रिपोर्ट अपनी भेजेगा। फॉर्म टू में क्या है, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी प्रोग्रेस रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ। ये अब कौन फिल आउट करेगा, ये करेगा गवर्नमेंट एनालिस्ट या जो भी एनालिस्ट होगा, ठीक है। उसने कौन कौन से सैंपल उसको मिले, उसने कौन कौन से टेस्ट उस पर परफॉर्म किए, फिर टेस्ट का रिजल्ट क्या आया, ठीक है, वो सारी चीजें उस पर वो मेंशन करेगा जो जिस भी ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में वो सैंपल जाएगा। फॉर्म थ्री, ऑर्डर अंडर सेक्शन 18 ऑफ ड्रग एक्ट 1976 रिगार्डिंग पर्सन नॉट टू डिस्पोज ऑफ स्टॉक इन हिज पोजेशन। अब ये जो फॉर्म है ये किस बेस पे है, ये इसलिए है, सपोज अगर कोई इंस्पेक्टर है वो किसी जगह पे किसी प्रेमिसिस पे गया है, उसने वहां पे देखा है कि यहाँ पर ड्रग एक्ट 1976 के खिलाफ वर्जी हो रही है, तो वहां पर वो क्या करेगा, इस फॉर्म के थ्रू वो जो ओनर है उसको इस चीज का पाबंद करेगा कि ये जो स्टॉक ऑफ ड्रग है इसको डिस्पोज ऑफ ना किया जाए, ठीक है। वो इतने, सपोज इंस्पेक्टर ने टेस्टिंग करवानी है तो उस उतना टाइम लिख देगा 10 या 15 दिन का कि इतने दिन तक आपने इसको डिस्पोज ऑफ नहीं करना, जब तक के वेरिफिकेशन ना आ जाए, जब तक के रिजल्ट ना आ जाए टेस्ट का, और ये प्रूफ ना हो जाए कि इस ड्रग पे कंट्रावेंशन नहीं हुई है। तो वो ये फॉर्म उस पर्सन को देगा, ओनर को देगा, और उसको ये डायरेक्ट करेगा, उस चीज का पाबंद करेगा कि इस ड्रग को डिस्पोज ऑफ ना किया जाए इस टाइम ड्यूरेशन में। फॉर्म फोर, इंटीमेशन ऑफ पर्पस टू पर्सन फ्रॉम होम द सैंपल इज टेकन। अब इंस्पेक्टर किस जगह पे गया है, उसने वहां से, उसको शक हुआ है तो उसने वहां का ड्रग का सैंपल ले लिया है। अब ये नहीं कि वो बस सैंपल लेके आ जाएगा, उसको भी बकायदा इस फॉर्म के थ्रू, ठीक है, ये फॉर्म वो फिल आउट करेगा कि उसने जो सैंपल लिया है उस ड्रग का नाम क्या है, उसके मैन्युफैक्चर का नाम क्या है, उसके रजिस्ट्रेशन, बैच नंबर, क्वांटिटी, मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी डेट, वो सारी चीजें इंस्पेक्टर फिल करके उस पर्सन को देगा जिससे उसने ये सैंपल लिया होगा, ठीक है। तो अगर इंस्पेक्टर कोई सैंपल लेता है किसी जगह से, किसी प्रेमिसेस से, फॉर द पर्पस ऑफ टेस्ट और एनालिसिस, तो वो इस फॉर्म को फिल करेगा और ये ओनर को देगा। फॉर्म फाइव, रिसीप्ट फॉर स्टॉक ऑफ ड्रग एंड अदर मटेरियल आर्टिकल सीज्ड अंडर सेक्शन 18(1) ऑफ ड्रग एक्ट 1976। और अगर इंस्पेक्टर किसी ड्रग को या किसी आर्टिकल को सीज करता है, ठीक है, या फ्रीज करता है,
अंडर ड्रग एक्ट 1976 के तहत, तो वो उसके भी सारी डिटेल देखेगा कि उस ड्रग का नाम क्या है, उसका बैच नंबर, उसका मैन्युफैक्चरर, उसकी क्वांटिटी और रीजन क्या है उस ड्रग या आर्टिकल को सीज करने की। ठीक है, तो जो भी काम करना है उसको एक प्रॉपर तरीके से करना है, चाहे अगर ड्रग को सैंपल ले रहा हो, टेस्ट और एनालिसिस के लिए भेजना हो, या वो सीज कर रहा है, तो हर पर्पज के लिए फॉर्म दिए गए हैं, इन फॉर्म को फिल आउट करके फिर वो आगे प्रोसीडिंग करेगा। फॉर्म 6 है मेमोरेंडम ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट। अब यहां पर जो पोर्शन लिया गया किसी जगह से, किसी प्रेमिसेस से, किसने, इंस्पेक्टर ने लिया। अब वो हम पहले भी ड्रग एक्ट 1976 में सारी चीजें पढ़ चुके हैं कि जो भी वो सैंपल लेगा, जो भी कंटेनर लेगा, उसके ऊपर अपनी सील लगा देगा या मार्क कर देगा कि ये इंस्पेक्टर की तरफ से है, और इस फॉर्म के थ्रू वो सारी इंफॉर्मेशन लिखेगा कि ड्रग का नाम क्या है, मैन्युफैक्चर का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन का नाम क्या है, और वो किस गवर्नमेंट एनालिस्ट को उसने भेजना है, यानी कौन सी लेबोरेटरी में लिखना है। तो वो सारी चीजें इंस्पेक्टर इस फॉर्म में फिल करके गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेज देगा। फॉर्म 7 ड्रग एक्ट 1976 एंड ड्रग रूल्स 1988 फ्रेम देयर अंडर रिपोर्ट्स ऑफ टेस्ट और एनालिसिस बाय गवर्नमेंट एनालिस्ट। अब यहां पर गवर्नमेंट एनालिस्ट का काम है कि गवर्नमेंट एनालिस्ट को सैंपल तो मिल गया जो इंस्पेक्टर ने भेजा था, अब वो उसने रिपोर्ट यहां पर तैयार करनी है। उस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आएंगी, नेम ऑफ इंस्पेक्टर आएगा कि किस इंस्पेक्टर ने उसको भेजा था, सीरियल नंबर और डेट आ जाएगी, वो कंडीशन लिखेगा किस कंडीशन में उसको मिला सैंपल, कोई सील उसकी खराब तो नहीं हुई भी थी, ठीक है, इसकी सारी डिटेल, और फिर एट द एंड वो रिजल्ट लिखेगा इस सैंपल का कि सैंपल जो भेजा था किस पर्पज के लिए भेजा था, उसके कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करने थे, वो सारा रिजल्ट वो इस फॉर्म 7 में इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट वो बनाकर भेजेगा। फॉर्म 8A एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस टू सेल स्टोर एग्जिबिट फॉर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट ड्रग्स बाय द वे ऑफ फार्मेसी। अब एक पर्सन ने फार्मेसी के लिए लाइसेंस अप्लाई करना है, ठीक है, ताकि वो वहां पर ड्रग सेल स्टोर या डिस्ट्रीब्यूट कर सके, तो वो किस फॉर्म के, फॉर्म 8A के तहत वो उसको फिल करेगा, उसमें जो भी कंडीशंस दी हुई है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करेगा, और फिर वो उसके थ्रू अप्लाई करेगा। ठीक है, तो किसी ने फार्मेसी के लिए लाइसेंस अप्लाई करना है तो वो फॉर्म 8A के थ्रू अप्लाई करेगा। सारे इसमें यहाँ पर पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, इन सारी चीजों को, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं कि क्या क्या चीजें अटैच होनी चाहिए, वो सारी फिल करनी है। नेक्स्ट इज फॉर्म 8B एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस टू सेल स्टोर एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग्स एक्सक्लूडिंग द ड्रग्स स्पेसिफाइड इन स्केड्यूल G बाय वे ऑफ मेडिकल स्टोर। अब किसी ने मेडिकल स्टोर के लिए लाइसेंस अप्लाई करना है तो वो फॉर्म 8B के तहत करेगा। मेडिकल स्टोर में स्केड्यूल G के अंडर जो जो भी ड्रग्स आ रही हैं, वो मेडिकल स्टोर पर सेल स्टोर या डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो मेडिकल स्टोर के लिए किसी ने लाइसेंस अप्लाई करना है तो वो फॉर्म 8B के तहत करेगा और ये सारी रिक्वायरमेंट्स वो पूरी करेगा। नेक्स्ट इज फॉर्म 8C एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस टू सेल स्टोर एंड एग्जिबिट फॉर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट ड्रग्स बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्म 8A था फार्मेसी के लिए, फॉर्म 8B था मेडिकल स्टोर के लिए, एंड फॉर्म 8C ये है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो कोई अगर डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप बनाना चाहता है और वहां के लिए लाइसेंस अप्लाई करना है तो वो किसके थ्रू करेगा, फॉर्म 8C के थ्रू करेगा। ठीक है, ये सारे एप्लीकेशन वाले फॉर्म हैं और ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा। फॉर्म 9 लाइसेंस टू सेल ड्रग्स इन ए फार्मेसी। अब फॉर्म 8A के तहत उसने अप्लाई किया था लाइसेंस के लिए फार्मेसी में, फार्मेसी में ड्रग सेल डिस्ट्रीब्यूट या स्टोर करने के लिए। अब फॉर्म 9 के तहत उसको लाइसेंस इश्यू किया जाएगा। ठीक है, वो एप्लीकेशन फॉर्म था, ये लाइसेंस है। किसी फार्मेसी का लाइसेंस अगर आप देखें तो वो इस फॉर्म के तहत इशू किया गया है, ये सारी चीजें वहां पे फिल की गई होंगी। ठीक है, तो फॉर्म 9 के तहत फार्मेसी को लाइसेंस इशू किया जाता है। ठीक है, फॉर्म 8A क्या था, एप्लीकेशन थी, उसके तहत अप्लाई करता है पर्सन, और फॉर्म 9 के तहत लाइसेंस इशू किया जाता है। सपोज ये एक लाइसेंस है जो इशू किया जाता है जिस पर्सन ने फॉर्म 8A के तहत अप्लाई किया हो। फॉर्म 10 लाइसेंस टू सेल ड्रग्स इन मेडिकल स्टोर।
फॉर्म 9 क्या था? फॉर्म एसए के लिए था. फॉर्म 10 क्या है? मेडिकल स्टोर के लिए. तो मेडिकल स्टोर में जिस पर्सन ने फॉर्म 8 बी के तहत अप्लाई किया था उसको लाइसेंस इशू किया जाता है फॉर्म 10 में. ठीक है, तो फॉर्म 10 में जो भी चीजें दी गई हैं ये लाइसेंस है किसका? मेडिकल स्टोर का. और फॉर्म 11 लाइसेंस टू सेल ड्रग्स इन एज ए डिस्ट्रीब्यूटर. तो जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप जिसने लगाना होगा, उसको जो लाइसेंस इशू किया जाएगा वो फॉर्म 11 के तहत किया जाएगा. अब ये जितने भी फॉर्म हमने पढ़े ये स्केड्यूल ए में थे. अब बात आती है स्केड्यूल बी की. स्केड्यूल बी में कौन कौन सी ड्रग्स इंक्लूड हैं? नार्कोटिक, साइकोट्रोपिक, एंटी डिप्रेसेंट एंड अदर कंट्रोल्ड ड्रग्स. ठीक है, तो ये जितने भी नार्कोटिक, साइकोट्रोपिक, कंट्रोल ड्रग्स हैं ये सारी किसमें आती हैं? स्केड्यूल बी में आती हैं. ठीक है, ये सारी मेडिकेशन यहां पर दी गई हैं. अब आ रहा है स्केड्यूल सी. स्केड्यूल सी में क्या है? स्केड्यूल सी में सारे टेस्ट दिए गए हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं किसी भी लेबोरेटरी में किसी भी ड्रग के लिए. कौन कौन से टेस्ट? ये नंबर ऑफ सारे टेस्ट बता दिए गए हैं, उनकी प्राइस भी बता दी गई है. फिर जो भी टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं, गवर्नमेंट एनालिस्ट है जो वहां पे टेस्टिंग कर रहे हैं, तो कौन कौन से टेस्ट हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं, उनकी क्या क्या प्राइस है, वो सारी चीजें स्केड्यूल सी में बता दी गई हैं. ठीक है, जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन है, केमिकल एग्जामिनेशन है, आइडेंटिटी टेस्ट है, फिर लीकेज टेस्ट है, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन टेस्ट, वेट वेरिएशन, ये सारे टेस्ट उन्होंने यहाँ पर जितने भी पॉसिबल टेस्ट हैं जो किसी ड्रग पे हो सकते हैं वो सारे विद प्राइसेस यहाँ पर स्केड्यूल सी में बता दिए गए हैं. अब है स्केड्यूल डी. स्केड्यूल डी में क्या है? टू बी सोल्ड बाय अ रिटेलर स्ट्रिक्टली ऑन द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. तो स्केड्यूल डी में जो जो ड्रग्स इंक्लूड हैं वो सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन पर ही पेशेंट को दी जाएंगी, इसके अलावा नहीं दी जा सकती. विदाउट प्रेस्क्रिप्शन ये मेडिकेशंस नहीं दी जाएंगी. तो इनमें कौन कौन सी मेडिकेशंस इंक्लूड हैं ये सारी यहां पर बता दी हैं. ठीक है, सारे टेबल्स में बता दिए कौन कौन सी मेडिकेशंस हैं जो कि स्ट्रिक्टली प्रेस्क्रिप्शन पर ही दी जाएंगी. ई में पॉइजनस सब्सटेंसेस इंक्लूड हैं. ठीक है, पॉइजन सब्सटेंसेस की यहाँ पे पूरी लिस्ट दे दी है और परसेंटेज भी बता दी है. परसेंटेज ऑफ पॉइजन कंटेंट बिलो विच द सब्सटेंस और इट्स प्रिपरेशन इज एक्सेम्प्ट फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द रूल्स. ठीक है, जो उसकी मिनिमम परसेंटेज है वो भी यहाँ पर सारी बता दी गई है. ये है स्केड्यूल ई जिसमें पॉइजन सब्सटेंस इंक्लूड है. एफ में क्या है? लिस्ट ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर ए फार्मेसी. यहाँ पर जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है एक फार्मेसी के लिए जो चाहिए होंगी वो सारी यहाँ पर डिटेल में बता दी गई हैं. ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसको डिटेल में. अब आया स्केड्यूल जी. हमारी बात स्केड्यूल जी से शुरू हुई थी जो हमने रूल 1 में पढ़ा कि स्केड्यूल जी की इम्प्लीमेंटेशन इस रूल्स के आने के 10 साल बाद कंपल्सरी होगी. ठीक है, तो स्केड्यूल जी में कौन कौन सी हैं? स्केड्यूल जी में वो ड्रग्स हैं जो सिर्फ फार्मेसी पर सेल होंगी. मेडिकल स्टोर इन ड्रग्स को सेल नहीं कर सकता. तो इसमें कौन कौन सी ड्रग्स हैं? एंटी लेप्रोसी हैं, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, वैक्सीन हैं, ड्रग रिलेटेड टू मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स या इम्यूनोसप्रेशन, एनेस्थीजिया है, एंटीबायोटिक्स हैं कुछ, फिर प्रोस्टाग्लैंडिंस हैं, नार्कोटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हैं. ठीक है, ये सारी ड्रग्स जितने भी हैं, कुछ हार्मोन्स हैं, ये जितनी भी ड्रग्स हैं ये किसी भी मेडिकल स्टोर पर सेल नहीं हो सकती. ये सारी ड्रग्स एक फार्मेसी पर ही सेल हो सकती हैं. और जो लास्ट है वो है स्केड्यूल एच. स्केड्यूल एच कौन सा है? गुड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस बी फॉलोड बाय द लाइसेंस एंड ए पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन और ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. तो ये गुड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप पे कौन कौन सी चीजों को फॉलो, जैसे हमने मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ फार्मेसी ऊपर स्केड्यूल एफ में पढ़ा. तो यहां पर ये क्या है कि रिक्वायरमेंट्स है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप के लिए. इसको भी हम एंड में इंशाल्लाह डिटेल में कंप्लीट करेंगे. रूल 2 डेफिनेशंस. अब कुछ डेफिनेशंस आ गई यहां पर. क्लॉज ए, एक्ट मींस द ड्रग एक्ट 1976. इन रूल्स में जब भी एक्ट का नाम आएगा तो यही एक्ट कंसीडर होगा कि ये 1976 का एक्ट है. क्लॉज बी, कमेटी मींस द कमेटी ऑफ द बोर्ड.
clause B be distributor? Means supplier or wholesaler of drug who store, sells or distribute drugs to a pharmacy, medical store or health institute on behalf of pharmaceutical manufacturer or importer as authorized agent. So distributor kaun hai? एक सप्लायर कह सकते हैं उसको या होलसेलर कह सकते हैं जो कि ड्रग सप्लाई करता है कहां कहां पे, फार्मेसी पे, मेडिकल स्टोर पे, किसी हॉस्पिटल पे, कोई हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है. क्लॉज सी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मींस ए कमेटी ऑफ प्रोविंशियल बोर्ड इन ए डिस्ट्रिक्ट टू बी नोन एज अ डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड. ठीक है, ये किसी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद होगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड. आप लोगों को याद होगा ड्रग एक्ट 1976 में हमने क्या पढ़ा था, प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, वो प्रोविंशियल लेवल पे था, ये है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. क्लॉज डी फॉर्म मींस ए फॉर्म मेंशन इन स्केड्यूल ए. स्केड्यूल ए हमने डिटेल में देखा है कि उसमें कौन कौन से फॉर्म मौजूद हैं. क्लॉज ई गवर्नमेंट मींस द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब. क्लॉज एफ इंस्पेक्टर मींस ए प्रोविंशियल इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट. सेक्शन 17 और ड्रग एक्ट 1976 वहां जो इंस्पेक्टर अपॉइंट हुआ था ये उसकी बात हो रही है और प्रोविंशियल इंस्पेक्टर है क्योंकि ये पंजाब ड्रग रूल्स हैं, ये रूल सिर्फ पंजाब पर अप्लाई होते हैं. क्लॉज जी लाइसेंसिंग अथॉरिटी मींस द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और एन ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूली ऑथराइज बाय द सेक्रेटरी. ठीक है, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी में वो सेक्रेटरी है गवर्नमेंट की, हेल्थ डिपार्टमेंट की या फिर कोई ऐसा ऑफिसर जिसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया हो बाय द सेक्रेटरी. क्लॉज एच मेडिकल स्टोर मींस प्रेमिसेस वेयर ड्रग एक्सक्लूडिंग द ड्रग स्पेसिफाइड इन द क्लॉज जी आर स्टोर्ड, सोल्ड और ऑफर्ड फॉर सेल. तो मेडिकल स्टोर कौन सा है जहां पर सेल होती हो, स्टोर होती हो लेकिन उनमें स्केड्यूल जी की ड्रग्स इंक्लूड ना हो. क्लॉज आई मैन्युफैक्चरर मींस अ मैन्युफैक्चरर ऑफ ए ड्रग. क्लॉज जे नार्कोटिक साइकोट्रोपिक और कंट्रोल ड्रग मीन्स ए ड्रग स्पेसिफाइड इन स्केड्यूल बी एंड डी. जो डी हमने देखे तो उनमें नार्कोटिक साइकोट्रोपिक और कंट्रोल ड्रग्स मौजूद हैं. क्लॉज के फार्मेसी मीन्स प्रेमिसेस वेयर ड्रग्स आर स्टोर्ड, सोल्ड, कंपाउंडेड, डिस्पेंस्ड और प्रिपेयर्ड ऑन प्रेस्क्रिप्शन. तो फार्मेसी में क्या चीजें आती हैं, वहां पर ड्रग सेल भी हो रही है, स्टोर भी हो रही है, कंपाउंड भी हो रही है, dispensed और prepare भी हो रही है on prescription. Clause L, provincial board means provincial quality control board. Clause M, registered medical practitioner means a medical practitioner registered under the Pakistan Medical and Dental Council Ordinance 1962. Clause N, schedule means a schedule to these rules. Schedule हमने पढ़े हैं clause A to H तक. Clause O, section means section of the act. Clause P, seller, means the seller of a drug. Clause Q, wholesale. Wholesale ka kya matlab hai? Means sale to a person buying for the purpose of selling again who is the authorized agent of a manufacturer or importer or indenter. Wholesale ka matlab hai sale to a person, is person ko sale karna. Buying for the purpose of selling again, kharidna dobara sale karne ke liye. और वो कौन हो, वो ऑथराइज एजेंट हो ऑफ ए मैन्युफैक्चरर या फिर इंपोर्टर या इंडेंटर. सब रूल टू ए वर्ड और एन एक्सप्रेशन यूज्ड इन दिस रूल्स बट नॉट डिफाइंड शैल मीन द सेम एज डिफाइंड इन द एक्ट. अगर कोई वर्ड है यहां पर या कोई एक्सप्रेशन है इन रूल्स में जो कि एलैबोरेट नहीं किया गया, जो समझ नहीं आ रहा है, डिफाइन नहीं किया गया प्रॉपरली, तो उसको क्या कंसीडर किया जाएगा, उसके क्या मीनिंग लिए जाएंगे जो कि एक्ट में मीनिंग लिए गए थे. यानी कि ड्रग एक्ट 1976 में उसके जो मीनिंग लिए गए थे वो ही मीनिंग इन रूल्स में भी लिए जाएंगे. चैप्टर टू है प्रोविंशियल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, गवर्नमेंट एनालिस्ट एंड इंस्पेक्टर. Rule 3, Provincial Quality Control Board. Sub-Rule 1, the board shall consist of the following. Clause A, Secretary to the Government, Health Department, Ex-Officio Member and Chairperson. So, Provincial Quality Control Board ke member mein kaun shamil hai? Secretary to the Government, Health Department, Ex-Officio Member. Ex-Officio Member ka matlab ye hai ki aisa member jo already kisi position par hire hai. Suppose wo kisi hospital ka MD hai.
वो किसी और पोजीशन पर काम कर रहा है ऑलरेडी, तो उसको एज ए प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का मेंबर हायर कर लिया जाएगा. क्लॉज बी, एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट एक्स ऑफिशियो मेंबर एंड वाइस चेयरपर्सन. सेकेंड क्या है, एडिशनल सेक्रेटरी है हेल्थ डिपार्टमेंट एक्स ऑफिशियो मेंबर या फिर वाइस चेयरपर्सन कह सकते हैं, हु शैल एक्ट एज चेयरपर्सन इन द एब्सेंस ऑफ सेक्रेटरी हेल्थ. तो चेयरपर्सन भी एज ए काम कर सकता है अगर सेक्रेटरी हेल्थ जो है एब्सेंट है. क्लॉज सी, प्रोविंशियल ड्रग कंट्रोलर ऑफ द गवर्नमेंट और ए सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ द प्रोविंशियल ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन हु शैल बी ए फार्मेसी ग्रेजुएट हेल्थ डिपार्टमेंट एक्स ऑफिशियो मेंबर. क्लॉज सी में क्या कहा है, कौन मेंबर इंक्लूड है इसमें, प्रोविंशियल ड्रग कंट्रोलर ऑफ गवर्नमेंट या फिर सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ प्रोविंशियल ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो फार्मेसी ग्रेजुएट होना चाहिए. ठीक है. क्लॉज डी, ए फार्मेसी प्रोफेशनल हु होल्ड ए ग्रेजुएट और हायर डिग्री इन फार्मेसी एंड हैज मोर देन 5 years प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अपॉइंटेड एज ए प्राइवेट मेंबर बाय द गवर्नमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 4 years. नेक्स्ट मेंबर कौन सा है, कोई फार्मेसी प्रोफेशनल होना चाहिए. ठीक है, जिसने फार्मेसी में अब ग्रेजुएशन की हो, उसके पास 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो, तो एज ए प्राइवेट मेंबर उसको गवर्नमेंट हायर करेगी फॉर द टर्म ऑफ 4 years के लिए. क्लॉज ई, ए फार्माकोलॉजिस्ट प्रेफरेबली ए प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी अपॉइंटेड एज ए प्राइवेट मेंबर बाय द गवर्नमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 4 years. एक फार्माकोलॉजिस्ट को भी हायर किया जाएगा और प्रेफर किया जाएगा कि प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी का, और एज ए प्राइवेट मेंबर उसको गवर्नमेंट हायर करेगी 4 साल के लिए. क्लॉज एफ, ए प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन अपॉइंटेड एज ए प्राइवेट मेंबर बाय द गवर्नमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 4 years. और एक प्रोफेसर को हायर किया जाएगा, कौन से प्रोफेसर को, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन को, एज ए प्राइवेट मेंबर 4 साल के लिए. क्लॉज जी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट एक्स ऑफिशियो मेंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ केसेस पर्टेनिंग टू द डिस्ट्रिक्ट. अब एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर होगा उस स्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट का जो वहां के केसेस को डील करेगा. क्लॉज एच, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट एक्स ऑफिशियो मेंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ केसेस पर्टेनिंग टू द डिस्ट्रिक्ट. एक है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर है, फिर है एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर. ठीक है, ये भी डिस्ट्रिक्ट वाइज बेस्ड करेगा कि जहां पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर है, फिर एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर को भी अपॉइंट किया जाएगा, तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज अपॉइंटमेंट होगी. क्लॉज आई, ए फार्मासिस्ट ऑफ द गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट इन ए डिस्ट्रिक्ट अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 4 years, हु शैल बी द सेक्रेटरी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड. और एक फार्मासिस्ट को हायर किया जाएगा, फार्मासिस्ट ऑफ द गवर्नमेंट उस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, उसको भी गवर्नमेंट 4 साल के लिए अपॉइंट करेगी. तो ये सारे मेंबर्स थे जो कि प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड में हायर किए जाते हैं. सब रूल 2, द गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ए सेक्रेटरी ऑफ द प्रोविंशियल बोर्ड हु होल्ड्स ए ग्रेजुएट और हायर डिग्री इन फार्मेसी एंड हैज एटलीस्ट 10 years प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हु शैल ऑल्सो बी मेंबर ऑफ प्रोविंशियल बोर्ड. तो गवर्नमेंट एक सेक्रेटरी अपॉइंट करेगी प्रोविंशियल बोर्ड में जिसके पास फार्मेसी की डिग्री होगी, फार्मेसी ग्रेजुएट होगा और 10 साल का एक्सपीरियंस होगा उसके पास. सब रूल 3, द गवर्नमेंट में अपॉइंट ए फार्मास्यूटिकल एक्सपर्ट एंड एन एक्सपर्ट ऑफ मेडिसिन एज मेंबर ऑफ प्रोविंशियल बोर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट फॉर ए टर्म ऑफ 4 years. प्रोविंशियल ऐसे मेंबर ऑफ प्रोविंशियल बोर्ड किस किस को हायर किया जाएगा, एक फार्मास्यूटिकल एक्सपर्ट को और एक मेडिसिन एक्सपर्ट को. किसी भी डिस्ट्रिक्ट में 4 साल के लिए. सब रूल 4, द कोरम फॉर ए मीटिंग ऑफ प्रोविंशियल बोर्ड शैल बी 5 इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन एंड 1 मेंबर फ्रॉम द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट. अब जो मीटिंग होगी प्रोविंशियल बोर्ड की, उसमें 5 मेंबर्स इंक्लूड होंगे जिसमें चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन होगा और हर डिस्ट्रिक्ट का, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का एक मेंबर शामिल होगा. सब रूल 5, नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ प्रोविंशियल बोर्ड शैल बी इनवैलिड मेयरली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी और एनी डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड कंसर्न्ड. कोई भी एक्ट और प्रोसीडिंग प्रोविंशियल बोर्ड में इनवैलिड नहीं है मेयरली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी. सपोज कोई वैकेंसी है
किसी की टर्म पूरी हो गई है, सीट वेकेंट है, अब कोई भी शख्स ये नहीं कर सकता, ना वहां का सेक्रेटरी, ना वाइस चेयरमैन, कोई भी, कि अपनी मर्जी से वहां पे लाके बंदा बिठा दे। अगर उनका कोई प्रोसीजर है तो वो उसको फॉलो करेंगे। सपोज प्रोसीजर है कि पहले एडवर्टाइजमेंट होगी, फिर कोई टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यूज होंगे, फिर ये सीट फिल होगी, तो वो उसी प्रोसीजर को ही फॉलो करेंगे। वो अपनी मर्जी से कोई भी बंदा लाके नहीं बिठा देंगे कि ये सीट खाली है, वेकेंट है, तो हम यहाँ पर अपनी मर्जी का बंदा लाके यहाँ पर काम पे रख लें। ठीक है, तो जो भी कोई डिफेक्ट होगा बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई वैकेंसी खाली होगी, तो उनको पूरा जो भी एक्ट है, जो प्रोसीडिंग है, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनके तहत उनको फॉलो करते हुए इन चीजों को देखा जाएगा। ठीक है, तो किसी भी कोई भी एक्ट या प्रोसीडिंग इनवैलिड नहीं होगी। ठीक है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन और एक्ट और प्रोसीडिंग बना दी गई है वो उनको फॉलो करेंगे, वो वैलिड रहेंगे हर सिचुएशन में। सब रूल सिक्स, द बोर्ड मे को ऑप्ट एनी अदर क्वालिफाइड एक्सपर्ट हैविंग फॉर्मल ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन द फार्मास्यूटिकल फील्ड। और बोर्ड के पास क्या पावर है, वो कोई भी क्वालिफाइड एक्सपर्ट एक्सपीरियंस हो फार्मास्यूटिकल फील्ड में, तो वो उसको अपॉइंट कर सकते हैं। रूल फोर, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। सब रूल वन, सब्जेक्ट टू सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट, द प्रोविंशियल बोर्ड may constitute a committee in a district to be known as district quality control board comprising the following member. ऊपर हमने पढ़ा था provincial quality control board, वो क्या था, वो province का था। ये है district quality control board, ये किस level पे होगा, ये district level पे होगा। अब इसके कौन कौन से members हैं? Clause A, district coordination officer of the district, ex officio member and convener. कन्वीनर वो पर्सन होता है हुज जॉब इज टू कॉल पीपल टुगेदर फॉर मीटिंग्स ऑफ ए कमेटी। क्लॉज बी, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, एक्स ऑफिशियल मेंबर। क्लॉज सी, ए फार्मास्यूटिकल एक्सपर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट अंडर रूल 3। क्लॉज डी, एन एक्सपर्ट ऑफ मेडिसिन इन द डिस्ट्रिक्ट अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। एंड क्लॉज ई, सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी। तो कौन कौन से मेंबर्स हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में? डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर है, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, फार्मास्यूटिकल एक्सपर्ट, एक्सपर्ट ऑफ मेडिसिन और सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी। सब रूल टू, द गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ए सेक्रेटरी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हु होल्ड इट ग्रेजुएट और हायर डिग्री इन फार्मेसी एंड हैज एटलीस्ट 5 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। तो सेक्रेटरी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कौन होगा? जिसने फार्मेसी में ग्रेजुएट किया होगा और उसका 5 साल का एक्सपीरियंस होगा। सब रूल 3, द कोरम फॉर द मीटिंग ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड शैल बी 4 इंक्लूडिंग 1 प्राइवेट मेंबर। तो कोरम ऑफ द मीटिंग 4 होगा जिसमें 1 प्राइवेट मेंबर होगा। सब रूल 4, ए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड शैल परफॉर्म इट्स फंक्शन अंडर द जनरल सुपरविजन एंड सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल बोर्ड। अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो है वो परफॉर्म करेगा अपने सारे फंक्शंस अंडर जनरल सुपरविजन। ठीक है, उसकी वो सुपरविजन, उसका कंट्रोल, वो सब किसके पास होगा? वो प्रोविंशियल बोर्ड के पास होगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड प्रोविंशियल बोर्ड के अंडर काम करेगी। सब रूल 5, द प्रोविंशियल बोर्ड में इशू डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शन टू द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। और प्रोविंशियल बोर्ड जो है वो डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन किसको इशू करेगा? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को, और वो उसको फॉलो करते हुए सारे काम करेंगे। रूल 5, प्रोसीजर फॉर द बोर्ड। अब बोर्ड का प्रोसीजर क्या है? सब रूल 1, एन इंस्पेक्टर और गवर्नमेंट एनालिस्ट शेल सबमिट मंथली रिपोर्ट्स ऑन फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2। ठीक है, फॉर्म 1 और 2 हमने पढ़े, तो उसमें इंस्पेक्टर या गवर्नमेंट एनालिस्ट वो अपनी मंथली रिपोर्ट इनके तहत सबमिट करवाएगा टू द डिस्ट्रिक्ट और द प्रोविंशियल बोर्ड, जिसको भी उनको डायरेक्ट किया गया होगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में सबमिट करवानी है या प्रोविंशियल बोर्ड में सबमिट करवानी है। एंड ए समरी ऑफ द ओवरऑल सिचुएशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन हिज एरिया ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन। और जो भी उसके एरिया में जो भी क्वालिटी कंट्रोल सिचुएशन है, जो भी उसके इंस्पेक्शन है, वो सारी वो समरी फॉर्म 1 और 2 के तहत वो देगा। किसको? प्रोविंशियल या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को। Provincial and district board shall maintain the information in order to monitor the quality of all drugs sold and to review the performance of manufacturer and the seller.
अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो है वो मंथली रिपोर्ट लेते रहेंगे इंस्पेक्टर से या गवर्नमेंट एनालिस्ट से, वो सारी मंथली रिपोर्ट लेंगे और वो उसको इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करेंगे। और वो मेंटेन किस लिए करेंगे, ताकि मॉनिटर किया जा सके कि इस एरिया में जो भी ड्रग सेल हो रही हैं, जो मैन्युफैक्चरर या सेलर हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है, और जो ड्रग सेल हो रही हैं उनकी क्वालिटी ऑफ ठीक है कि नहीं, वो क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो सारी सिचुएशन वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और फिर उसको रिव्यू करेंगे और उस पर एक्शन लेंगे। सब रूल टू, द प्रिवेंशन एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में मीट एटलीस्ट वंस इन अ मंथ टू रिव्यू द सिचुएशन ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स ऑन द होल, इंक्लूडिंग कंसिडरेशन ऑफ एनी स्पेसिफिक पॉइंट अराइजिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑन द वर्किंग ऑफ वेरियस फर्म, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज एंड इंस्पेक्टर। अब जो प्रोवेंशियल या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, सारी उनको मंथली रिपोर्ट मिलती जाती हैं और फिर उनका क्या है, वो एक दफा महीने में उनकी मीटिंग होती है, उस मीटिंग में वो सारी सिचुएशन को रिव्यू करते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग मेंटेन की जा रही है या नहीं, या कोई भी अगर कोई सिचुएशन अराज हो गई है, जैसे कोरोना वायरस की सिचुएशन है, तो उसमें जब वो एकदम से पीक आ रही है तो उस पे जो मैन्युफैक्चरर या सेलर हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं, वो अगर पीक आ रही है ड्रग्स की प्रोडक्शन ज्यादा वो कर रहे हैं तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, फिर ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं वहां पर जो भी टेस्टिंग हो रही है वो सही हो रही है कि नहीं, वो सारी चीजें वो रिव्यू करेंगे। सब रूल थ्री, द प्रोवेंशियल और द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड शैल एग्जामिन ए केस रेफर्ड टू एड बाय एन इंस्पेक्टर एंड शैल इफ एन एक्शन इज प्रपोज टू बी टेकन अगेंस्ट अ पर्सन अंडर द एक्ट और द रूल्स। अब किसी इंस्पेक्टर ने कोई केस रेफर किया है प्रोवेंशियल या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में कि ये केस है, सपोज वो कंट्रावेंशन का केस है, किसने लॉ की खिलाफ वर्जी की है या कोई फ्रॉड कर रहा है, ठीक है, इस तरह कोई भी केस उसने अगर रेफर किया है प्रोवेंशियल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को भेजा है, और अगर उसने कोई एक्शन प्रपोज किया है उस पर्सन के अगेंस्ट, तो प्रोवेंशियल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड क्या करेंगे, इशू ए शो कॉज नोटिस टू द पर्सन एंड प्रोवाइड हिम एन अपॉर्चुनिटी फॉर हियरिंग बिफोर टेकिंग द एक्शन अबाउट द प्रोसिक्यूशन ऑफ द पर्सन और रिकमेंडिंग सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ हिज लाइसेंस टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ठीक है, इंस्पेक्टर ने कोई केस रेफर किया किसी पर्सन के खिलाफ कहां पे, प्रोवेंशियल या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में, और उसने कोई एक्शन प्रपोज किया है कि इस पर्सन के खिलाफ इस एक्ट के अंडर ये एक्शन इस पर होना चाहिए, तो प्रोवेंशियल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड क्या करेंगे, वो एक शो कॉज इशू करेंगे पर्सन को, उसको अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो अपनी बात रख सके, हेयरिंग होगी, सारी बातें सुनी जाएंगी, उसकी कॉज सुनी जाएगी, उसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग होगी, और अगर उसको ये जरूरी लगेगा, उनको ये शक होगा या यकीन होगा कि ये ही पर्सन इन्वॉल्व है कंट्रावेंशन करने में, ये मुजरिम है, तो रिकमेंड करेंगे लाइसेंसिंग अथॉरिटी को कि इसके लाइसेंस को कैंसिल या सस्पेंड कर दिया जाए। सब रूल फोर, बिफोर रेफरिंग अ केस टू ड्रग कोर्ट द प्रोवेंशियल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड शैल एसर्ट द नेम ऑफ डायरेक्टर पार्टनर एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी कॉर्पोरेशन फर्म और इंस्टीट्यूशन हु इज प्राइमरी फेशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर द कमीशन ऑफ ऑफेंस अंडर द एक्ट or the rules and may allow an inspector to institute prosecution against such person. अब ड्रग कोर्ट में केस रेफर करने से पहले प्रोवेंशियल या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड क्या करेगा, वो पहले तो इंश्योर करेंगे वो फाइंड आउट करेंगे उसका नाम, उस डायरेक्टर का, उस पार्टनर का, उस एम्प्लॉय का जो कि रिस्पॉन्सिबल है, फर्स्ट इंस्टेंस में वो रिस्पॉन्सिबल है ऑफेंस को कमिट करने के। ठीक है, वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे उस पर्सन को, अगर वो कोई एम्प्लॉय है, वो डायरेक्टर है, वो पार्टनर है, ठीक है, किस कंपनी का है, किसी फर्म का है, इंस्टीट्यूशन का है, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो उस पर्सन के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग करेंगे। ठीक है, तो पहला काम क्या है कि आइडेंटिफाई करना है, फाउंड आउट करना है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, किसने ऑफेंस कमिट किया है। सब रूल फाइव, द प्रोवेंशियल और द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में इन केस ऑफ ए माइनर कंट्रावेंशन डायरेक्ट द मैन्युफैक्चरर और द सेलर टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट, इशू ए वार्निंग टू हिम, ऑर्डर द डीसीलिंग एंड टेक एनी अदर एक्शन इंक्लूडिंग रिकॉल ऑफ बैचेस। और अगर कोई माइनर कंट्रावेंशन है, लॉ के खिलाफ वर्जी हुई है लेकिन छोटे लेवल पे हुई है, माइनर है, तो उसमें प्रोवेंशियल या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड क्या कर सकते हैं, वो
उसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट करेंगे मैन्युफैक्चरर को या सेलर को कि वो जो इसके इसने कंट्रावेंशन की है उसको इम्प्रूव करें, उसको डिफेक्ट को दूर करें, उसको वार्न करेंगे, उनको कहेंगे कि ये जो ड्रग है इसको डी सील करें, इसको दोबारा इसको मैन्युफैक्चरिंग करें अगर वो हो सकती हैं तो, या कोई अदर एक्शन लें जो कि जरूरी है इस फ्लॉ को दूर करने में. ठीक है, तो वो उसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग नहीं करेंगे, उस पर वो मैन्युफैक्चरर को ही वार्न करेंगे, उसको नोटिस इशू करेंगे कि वो अपना डिफेक्ट दूर करें, या फिर अगर वो कंट्रावेंशन कर रहे हैं तो वो उसको खत्म करें. सब रूल 6, द प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मे फॉरबिड अ पर्सन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 months फ्रॉम रिमूविंग और डिस्पोजिंग ऑफ ए ड्रग आर्टिकल और अदर थिंग लाइकली टू बी यूज्ड एज एविडेंस इन एन ऑफेंस अंडर द एक्ट और द रूल्स. प्रोविंशियल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड किसी ऐसे पर्सन को जिसने कोई ऐसे ड्रग जो कि एज ए एविडेंस यूज हो सकती थी या जिसके ऊपर कंट्रावेंशन थी, जिसको सीज किया था इंस्पेक्टर ने, उसने उसको रिमूव कर दिया या डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो प्रोविंशियल या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड उसको 3 months के लिए उसको बैन कर देंगे. ठीक है, वो अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो वो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकेगा, वो कोई सेलर है तो वो अपनी सेल नहीं कर सकेगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकेगा, तो वो 3 महीने तक बैन रहेगा. रूल 6, क्वालिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्टर एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट. अब गवर्नमेंट एनालिस्ट या इंस्पेक्टर जो अपॉइंट किए जाएंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी. सब रूल 1, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज एन इंस्पेक्टर अनलेस ही होल्ड्स ए डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी और एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान. अब इंस्पेक्टर जो कि अपॉइंट किया गया होगा उसके पास डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान. सब रूल 2, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज ए गवर्नमेंट एनालिस्ट unless he holds a degree in pharmacy from a university or an institution recognized by the Pharmacy Council of Pakistan. अब इसी तरह गवर्नमेंट एनालिस्ट भी उसकी क्या है, फार्मेसी की डिग्री उसने पास हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या कोई ऐसा इदारा जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से रिकॉग्नाइज हो, एंड हैज एटलीस्ट 3 year एक्सपीरियंस प्रेफरेबली इन द मैन्युफैक्चर टेस्टिंग और एनालिसिस ऑफ ड्रग्स और ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन. अब इसमें एडिशन क्या है कि क्योंकि वो गवर्नमेंट एनालिस्ट है इसलिए उसके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए किस किस का, मैन्युफैक्चर का, टेस्ट और एनालिसिस का. रूल 7, ड्यूटीज ऑफ इंस्पेक्टर. सब्जेक्ट टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी एंड इंस्पेक्टर. अब इंस्पेक्टर की क्या क्या ड्यूटीज हैं. क्लॉज ए, इंस्पेक्टर मेडिकल स्टोर, फार्मेसी and a drug manufacturing premises at least once in 3 months and maintain record of the inspection. पहली इसकी ड्यूटी क्या है कि वो इंस्पेक्ट करेगा किसी मेडिकल स्टोर, फार्मेसी या मैन्युफैक्चरिंग प्रेमिसेस को 3 महीने में एक दफा. ठीक है, वो इंस्पेक्ट करेगा और वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन करेगा. क्लॉज बी, सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द कंडीशंस ऑफ द लाइसेंस आर बीइंग ऑब्जर्व्ड. किसी प्रेमिसेस का वो इंस्पेक्शन करेगा चाहे वो मेडिकल स्टोर हो, फार्मेसी हो या ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्रेमिसेस हो, कि वहां पर जो जिन जिन कंडीशन पर लाइसेंस इशू किया गया था वो वहां पर फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही, ये सारी चीजें वो देखेगा. क्लॉज सी, इफ ही हैज रीजंस टू बिलीव रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन फॉर्म 4 और फॉर्म 5 दैट ए ड्रग इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, सोल्ड, स्टॉक और एग्जिबिट फॉर सेल इन द कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट or the rules, he may take samples of the drug and may send it for the test and analysis and may seize the drug or any equipment. अगर वो किसी जगह की इंस्पेक्शन के लिए जाता है, ठीक है, जहां पर ड्रग मैन्युफैक्चर हो रही है, सेल हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और उसको वहां पर क्या लगता है कि कंट्रावेंशन हो रही है इस एक्ट की, एंड ड्रग एक्ट 1976 की कंट्रावेंशन हो रही है यहां पर, तो वो क्या करेगा, वो अपनी शक के बिना पर वहां पर सैंपल ले लेगा, उन सैंपल की जो भी डिटेल है फॉर्म 4 और फॉर्म 5 में वो सारी फिल आउट करेगा कि कितना सैंपल लिया है, कौन सी ड्रग है, कौन सा मैन्युफैक्चरर है, वो सारी चीजें वो सैंपल लेगा, या अगर उसने सीज करना होगा तो वो सीज करेगा और उस ड्रग की सारी डिटेल इन फॉर्म में लिख देगा. ठीक है, हमने सारे फॉर्म जो भी पढ़े हैं. क्लॉज डी, इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट मेड टू हिम इन राइटिंग अगेंस्ट ए पर्सन एंड सबमिट ए रिपोर्ट ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन टू द प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड.
कोई भी अगर कंप्लेन आई है, किसी फार्मेसी की आई है, किसी मेडिकल स्टोर की आई है, किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लेस की आई है, तो वो इन्वेस्टिगेट करेगा और इन राइटिंग उस पर्सन को लिखेगा और उसकी सारी रिपोर्ट अपनी इन्वेस्टिगेशन की किसको, प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को सबमिट करवाएगा. क्लॉज ई, इनिशिएट प्रोसिक्यूशन ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोविंशियल और द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड टू परस्यू केस इन द कोर्ट. और प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड उनको उसको जो डायरेक्शन देंगे इंस्पेक्टर को, वो उनको फॉलो करते हुए उस पर्सन के अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग करेगा, ठीक है, और केस वो ड्रग कोर्ट तक लेकर जाएगा. क्लॉज एफ, मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ एक्शन टेकन बाय हिम इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज इंक्लूडिंग. अब जो भी वो एक्शन लेता है अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए, उसका सारा भी रिकॉर्ड वो मेंटेन करेगा. उसमें फॉर एग्जाम्पल क्या क्या एक्शन हो सकते हैं, टेकिंग ऑफ सैंपल्स, कोई सैंपल ले रहा है उसका रिकॉर्ड वो मेंटेन करेगा, सीजर ऑफ ड्रग सीज कर रहा है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, और इक्विपमेंट्स एंड सबमिट रिपोर्ट ऑफ सच रिकॉर्ड टू द प्रोविंशियल एंड द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड. तो जो भी एक्शन लेगा उसकी रिपोर्ट बनाएगा, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, और रिकॉर्ड वो किसको भेजेगा, प्रोविंशियल या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को. क्लॉज जी, स्टॉप मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ ड्रग्स बीइंग कैरिड इन कंट्रावेंशन ऑफ द एक्ट एंड दीज रूल्स एंड. और जो भी ड्रग मैन्युफैक्चर हो रही हैं इन कंट्रावेंशन ऑफ ड्रग एक्ट 1976, तो वो उनकी मैन्युफैक्चर को स्टॉप कर देगा, उनकी मैन्युफैक्चर को, उनकी सेल को वो स्टॉप कर सकता है, ये उसकी ड्यूटीज में है. क्लॉज एच, इंस्पेक्टर प्लेस लाइसेंस्ड अंडर द एक्ट और द रूल बिफोर रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस. अब किसी पर्सन ने लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, तो उसका लाइसेंस रिन्यूअल होने से पहले इंस्पेक्टर की क्या ड्यूटी है कि उसने उस प्रेमिसेस की, सपोज अगर फार्मेसी है, मेडिकल स्टोर है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो जो भी प्रेमिसेस है वो उसको इंस्पेक्ट करेगा, उसके बाद ही उसको लाइसेंस रिन्यू करके दिया जाएगा. रूल 8, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ ऑफिशियल बिजनेस और व्हेन रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट. An inspector or a government analyst shall not disclose to any unauthorized person any information acquired by him in the course of his official duties. अब drug inspector या government analyst, अब inspector या government analyst वो किसी भी unauthorized person को कोई भी information disclose नहीं करेंगे, चाहे वो किसी drug seize करने के बारे में हो, या sample taking के बारे में हो, क्या फिर किसी टेस्ट और एनालिसिस के रिजल्ट के बारे में हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो कॉन्फिडेंशियल होती है उनके पास, वो किसी भी बंदे को वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट कि अगर उनसे रिक्वायर्ड हो, अगर कोर्ट ने रिक्वायर्ड की है, कोर्ट ने मांगी है, तब वो ये इंफॉर्मेशन दे सकता है, या प्रोविंशियल या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने इंफॉर्मेशन मांगी है वो उनको दे सकता है, लेकिन किसी अनऑथोराइज बंदे को, किसी आम बंदे को वो ये इंफॉर्मेशन पास नहीं कर सकता. Rule 9, form of order not to dispose of stock. An inspector requiring a person not to dispose of a drug or other material shall make the order under section 18 of the act in form 3. Koi inspector, usne kisi drug ka sample liya hai suppose, aur usne is person ko direct kiya hai ki ye itne din ke liye is drug ko dispose of nahin karega ya isko remove nahin karega. तो वो एक फॉर्म की सूरत में उसको फिल करके दे देगा कि इतने दिन तक आप इस ड्रग को डिस्पोज ऑफ ना करें. रूल 10, फॉर्म ऑफ इंटीमेशन ऑफ पर्पस ऑफ टेकिंग सैंपल. 1, एन इंस्पेक्टर हु टेक्स सैंपल ऑफ ए ड्रग फॉर द पर्पस ऑफ टेस्ट और एनालिसिस शैल इंटीमेट द पर्पस ऑफ टेकिंग द सैंपल टू द पर्सन फ्रॉम होम ही टेक्स द सैंपल इन फॉर्म 4. इफ ही सीज ए ड्रग और अदर मटीरियल शैल इश्यू रिसीट ऑफ सीजर इन फॉर्म 5. अब किसी इंस्पेक्टर ने सैंपल लिया है किसी ड्रग का फॉर द पर्पस ऑफ टेस्ट और एनालिसिस, तो वो उस सैंपल की सारी डिटेल एक फॉर्म की सूरत में, फॉर्म 4 की सूरत में उसमें सारी डिटेल मेंशन करेगा, और वो उस पर्सन को, जिस पर्सन से उसने सैंपल लिया है, सपोज वो ओनर है या फिर वहां का डायरेक्टर है, वो उसको वो सारी इंफॉर्मेशन इस फॉर्म की सूरत में दे देगा. और अगर वो उस ड्रग को सीज करता है तो फॉर्म 5 में वो सारी डिटेल एंटर करेगा. सब रूल 2, The inspector shall send a portion of the sample or the container to the government analyst for the test and analysis through a memorandum in form 6.
अब इंस्पेक्टर ने जो भी सैंपल या कंटेनर लिया उसने टेस्ट और एनालिसिस के पर्पज के लिए लिया था, उसने वो गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेजना है, ठीक है। तो वो फॉर्म 6 में सारी डिटेल डालकर गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेज देगा। सब रूल 3, द इंस्पेक्टर शुड सेंड ए स्पेसिमन इंप्रेशन ऑफ हिज सील टू द गवर्नमेंट एनालिस्ट, और इंस्पेक्टर अपनी स्पेसिमन इंप्रेशन भी भेजेगा अपनी सील की गवर्नमेंट एनालिस्ट को, ताकि वो पहचान सके कि इस सील को फ्रॉस्ट तो नहीं किया गया, उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं किया गया, ठीक है। रूल 11, ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट। अब गवर्नमेंट एनालिस्ट की क्या क्या ड्यूटीज हैं? सब रूल 1, गवर्नमेंट एनालिस्ट शेल पॉज टेस्ट एंड एनालिसिस ऑफ द सैंपल ऑफ ए ड्रग सेंट टू हिम अंडर द एक्ट और द रूल एंड शेल फर्निश रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ टेस्ट एंड एनालिसिस इन फॉर्म 7। अब गवर्नमेंट एनालिस्ट ने जो सैंपल उसको इंस्पेक्टर ने भेजा था उस पर उसने सारे टेस्ट एंड एनालिसिस परफॉर्म कर लिए हैं, अब उसकी सारी रिपोर्ट वो फॉर्म 7 में एंटर करेगा। सब रूल 2, ए गवर्नमेंट एनालिस्ट शेल कंडक्ट टेस्ट एंड एनालिसिस ऑफ द सैंपल ऑफ ए ड्रग सेंट टू हिम इन राइटिंग बाय एन इंस्पेक्टर, ए पर्सन, ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एनी अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन। अब गवर्नमेंट एनालिस्ट जो भी टेस्ट और एनालिसिस वो परफॉर्म करेगा किस पे करेगा, जो सैंपल उसको भेजा गया है, ठीक है, चाहे वो किसी इंस्पेक्टर ने भेजा हो, किसी पर्सन ने भेजा हो, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने भेजा हो या किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन ने। एंड शेल फर्निश द रिपोर्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ टेस्ट एंड एनालिसिस टू द इंस्पेक्टर, ए पर्सन, ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन। अब टेस्ट एनालिसिस परफॉर्म करके कंडक्ट करके उसकी रिपोर्ट बनाएगा, और उसकी रिपोर्ट किसको भेजेगा, अगर इंस्पेक्टर ने उसको सैंपल भेजा होगा तो रिपोर्ट इंस्पेक्टर को भेजेगा, अगर किसी पर्सन ने भेजा होगा या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने भेजा होगा तो वो उसकी रिपोर्ट बनाकर उन्हीं को भेज देगा। सब रूल 3, ए गवर्नमेंट एनालिस्ट शेल फॉरवर्ड टू द गवर्नमेंट मंथली रिपोर्ट कंटेनिंग रिजल्ट्स ऑफ सैंपल टेस्टेड एंड एनालाइज ड्यूरिंग द मंथ फॉर द पब्लिकेशन एट द डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नमेंट एंड फर्निश सच इन्फॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट एनालिस्ट अपनी मंथली रिपोर्ट फॉरवर्ड करेगा गवर्नमेंट को, उसमें जितने भी टेस्ट उसने परफॉर्म किए हैं उनके रिजल्ट उसमें होंगे, उसका एनालिसिस होगा या जो भी कोई अदर इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट रिक्वायर करेगा वो गवर्नमेंट एनालिस्ट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगा। रूल 12, प्रोसीजर ऑन रिसीट ऑफ सैंपल फ्रॉम इंस्पेक्टर। ऑन रिसीट ऑफ ए सैंपल ऑफ ए ड्रग फ्रॉम एन इंस्पेक्टर, ए पर्सन और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, द गवर्नमेंट एनालिस्ट शेल कंपेयर द सील्स ऑन द पैकेट विद द स्पेसिमन इंप्रेशन रिसीव्ड। जैसे हमने पहले पढ़ा कि इंस्पेक्टर गवर्नमेंट एनालिस्ट को जो सैंपल या कंटेनर भेजता है तो साथ में वो अपनी स्पेसिमन सील भी भेजता है, ताकि पहचान सके गवर्नमेंट एनालिस्ट कि ये वही सील है, क्या इसको बदल तो नहीं गया या इसमें कोई फ्रॉडी तो नहीं हो गई, इस सील को खराब करने की कोशिश तो नहीं की गई है, ठीक है। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट उसको कंपेयर करेगा सील्स को कि ये वाकई स्पेसिमन सील से मैच करती है या नहीं, एंड शेल नोट द कंडीशन ऑफ द सील ऑन द पैकेज, ठीक है, वो कंडीशन भी नोट कर लेगा कि उसके पास किस कंडीशन में आया है। एंड आफ्टर द टेस्ट एंड एनालिसिस हैज बीन कंप्लीटेड, ही शेल फोर्थविथ सप्लाई टू द इंस्पेक्टर एंड द बोर्ड ए रिपोर्ट ऑफ रिजल्ट ऑफ टेस्ट एंड एनालिसिस। तो वो अपना टेस्ट और एनालिसिस परफॉर्म करेगा और उसकी रिपोर्ट बना के वो फिर वापस इंस्पेक्टर को, ये जिस बोर्ड ने उसको भेजा होगा वो उसको वापस वो रिपोर्ट दे देगा। रूल 13, फी फॉर टेस्ट एंड एनालिसिस ऑफ ड्रग्स। सब रूल 1, ए गवर्नमेंट एनालिस्ट मे रिसीव सैंपल ऑफ ए ड्रग फ्रॉम ए पर्सन अदर देन इंस्पेक्टर, द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन। अब जो गवर्नमेंट एनालिस्ट है वो सैंपल कहां कहां से रिसीव कर सकता है, किसी भी पर्सन से रिसीव कर सकता है, अदर जरूरी नहीं है कि इंस्पेक्टर जो भेजेगा सैंपल वो उसी को टेस्ट करेगा, वो कोई और पर्सन भी, कोई नॉर्मल पर्सन भी अगर कोई ड्रग की टेस्टिंग करवाना चाहता है तो वो गवर्नमेंट एनालिस्ट उसको टेस्ट कर सकता है। सब रूल 2, इफ द सैंपल ऑफ ए ड्रग इज रिसीव फ्रॉम द पर्सन, द गवर्नमेंट एनालिस्ट शेल चार्ज द फी फॉर द टेस्ट एंड एनालिसिस ऑफ द सैंपल एट द रेट स्पेसिफाइड इन स्केड्यूल। पर्सन है इंस्पेक्टर या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अलावा है, वो टेस्ट और एनालिसिस करवाना चाहता है गवर्नमेंट एनालिस्ट से, तो गवर्नमेंट एनालिस्ट उसका सैंपल लेगा और फिर उसको वो चार्ज करेगा, ठीक है, जो भी टेस्ट वो परफॉर्म करेगा उसकी वो फी पे करेगा। हमने स्केड्यूल सी में देखा कि सारे टेस्ट हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं किसी ड्रग के, और उसके साथ उसकी फी भी बता दी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के अलावा कोई अगर टेस्टिंग करवाना चाहता है तो वो टेस्टिंग करवा सकता है गवर्नमेंट एनालिस्ट के, लेकिन जो जो टेस्ट वो परफॉर्म करवाएगा उसकी वो फी भी पे करेगा, जो कि स्केड्यूल सी में दे दी गई है।